Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video I am going to give you a unique trick to remember the venues, rulers and the presidents of All the four Buddhist councils. दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक देने जा रहे हैं जिससे पलक झपकते आप याद कर लेंगे चारों बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुए उसका वेन्यू कहां कहां था, यानी कि किस किस जगह पे हुआ, उस समय शासक कौन था और उस काउंसिल की, उस बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता किसने की। तो ये सारी चीजें अभी हम सीखेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये, मैं अभी बताऊंगा आपको। और देखिए कि पहले हम समझ लेते हैं इसको, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को एक बार देख लेते हैं। वैसे हम इस पर डिटेल वीडियो भी कर चुके हैं रेगुलर क्लासेस में, अपने एंशियंट हिस्ट्री के रेगुलर क्लासेस में डिटेल वीडियो कर चुके हैं। बावजूद हम एक पिन पॉइंटेड वीडियो सिर्फ ट्रिक पर लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। देखिए सबसे बड़ी बात कि ये पहले टाइम पीरियड हमने देखा कि यहां पर टाइम पीरियड क्या है, 483 बीसी पहला, दूसरा 383 बीसी, तीसरा 251 या 250 बीसी, ये समय का फर्क आपको मिलेगा किताबों में, और चौथा फर्स्ट सेंचुरी एडी। लेकिन टाइम पे आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है क्योंकि इससे सवाल नहीं आएगा, सवाल यहीं से आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो होता है राजगृह में। ठीक है, यहां से देखिए पहला होता है राजगृह में, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, टाइम क्या है 483 बीसी और राजगृह में। और राजगृह में कहां पे, सप्तपर्णी केव, सप्तपर्णी गुफा, राजगृह में मगध की राजधानी थी। उस समय शासक कौन था, अजात शत्रु। देखिए मैंने ट्रिक लिखा हुआ अभी बताऊंगा, अजात शत्रु शासक था। ठीक है, यह हर्यक वंश का था, बिंबिसार का बेटा, मगध में जो डायनेस्टीज आए वो डायनेस्टी थे हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। ठीक है, और पहले बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता की महाकश्यप ने। यहां पे क्या डिसीजन हुए, फैसला क्या हुआ, दो ग्रंथों की रचना हुई, जो बौद्ध साहित्य है उसकी उसके जो प्रारंभिक टेक्स्ट है, हाँ ग्रंथ है, उनको हम कहते हैं त्रिपिटक, या प्रारंभिक साहित्य को हम आगम भी कहते हैं, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य को आगम, और इसी आगम को त्रिपिटक भी कहा जाता है जिसमें तीन पार्ट है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभी हम आएंगे, देखिए पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में, यहां पे अभी आएंगे, तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में सुत्त पिटक की रचना बुद्ध के शिष्य उपाली ने की, और विनय पिटक की रचना बुद्ध के सुत्त पिटक की रचना बुद्ध के शिष्य आनंद ने की, और विनय पिटक की रचना बुद्ध के शिष्य उपाली ने की। फिर से सुन लीजिए, सुत्त पिटक आनंद ने किया, विनय पिटक उपाली ने किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी, जगह वैशाली, ये भी मगध की राजधानी रह चुकी थी। ठीक है, मगध की राजधानी थी ये कभी, ये भी ठीक है, वैशाली। ठीक है, इस समय शासक कालाशोक, किस वंश का, शिशुनाग वंश का, हर्यक वंश में बिंबिसार अजात शत्रु उदाई, उसके बाद आएगा शिशुनाग वंश जिसमें पहला शासक शिशुनाग और दूसरा कालाशोक। तो कालाशोक के समय दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल या दूसरी बौद्ध संगति होती है, कहां पे, वैशाली में। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सर्वकामी, कहीं कहीं पे सर्वकामिनी भी मिलेगा, और यहां पे थेरवाद और महासांगिक में बंटता है। ठीक है, बौद्ध धर्म। उसके बाद तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल 251 और 250 बीसी का होता है पाटलिपुत्र, ये भी मगध की राजधानी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र किसके समय में हुआ, राजा था अशोक, मौर्य डायनेस्टी का अशोक, चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। इस समय अध्यक्षता की तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल की मोगली पुत्र तिष्य ने। ठीक है, और यहां पर त्रिपिटक के तीसरे पार्ट, पहले दो पार्ट लिखे गए पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में त्रिपिटक के, सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक लिखा आनंद ने, विनय पिटक उपाली ने, और अभिधम्म पिटक, यहां पे अभिधम्म पिटक की रचना होती है जिसपे इन्फ्लुएंस होता है मोगली पुत्र तिष्य का। ठीक है, ये समझ लीजिए। उसके बाद चौथा, हाँ फर्स्ट सेंचुरी ये भी, टाइम से कोई मतलब नहीं है, नहीं याद रखना, कुंडलवन कश्मीर में होगा, शासक होगा कुषाण वंश का। ठीक है, ये इंडो ग्रीक शासक था कुषाण वंश का कनिष्क,
ठीक है। इस समय प्रेसिडेंट है वसुमित्र और इस समय एक वाइस प्रेसिडेंट भी है, उपाध्यक्ष भी है, अध्यक्ष है वसुमित्र और उपाध्यक्ष है अशोक घोष, ठीक है। इस समय डिसीजन क्या होता है, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट जाता है, ये चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है। अब इसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाया है, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा है, देखिए वेन्यू के लिए एक शब्द आपको याद रखना है राव पार्क, वेन्यू के लिए एक शब्द राव पार्क, और जो शासक है उनके लिए एक लाइन आजकल आनंद करो, और प्रेसिडेंट के लिए फिर एक शब्द, अगर पूरा इसको कर दे तो मास मोगवा, मास मोगवा बन जाएगा। देखिए रा राजगृह, व वैशाली, हिंदी में ही मैंने लिखा है, पा पाटलिपुत्र, और क कुंडलवन कश्मीर, या खाली कश्मीर, कुंडलवन आपको याद रहेगा। तो खाली आपको वेन्यू क्या था, आपको बस इतना ही याद रखना है, वेन्यू क्या है भाई चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का, तो राव पाक, एक शब्द राव पाक वेन्यू है। तो ये आपका वेन्यू है, ठीक है, ये आपका वेन्यू है, ठीक है, वेन्यू है। उसके बाद रूलर, आजकल आनंद करो, मैंने लिख दिया आज से आजाद शत्रु, कल से काला शोक, आनंद चूंकि ये लाइन फिट बैठ रहा है तो आनंद से अशोक का आ से आ रहा है ना, और करो से कनिष्क, आजकल आनंद करो, आज से इस आज से अजात शत्रु यहां पे हालांकि लिखा हुआ है, कल से काला शोक सब यहां पे लिख दिया है मैंने, आनंद से अशोक और करो से कनिष्क, राव पाक, ठीक है, और प्रेसिडेंट, मां से महाकश्यप, एस से मास मैंने लिखा है मास, तो एस से सर्वकामिनी या सर्वकामीर कुछ भी आपको मिल जाए, मोग मोगली पुत्र तिश मोग लिखा, और वा वसुमित्र, ठीक है। तो एक शब्द आपको ये बता रहा है आपको वेन्यू, ये बता रहा है आपको रूलर्स वेन्यूज रूलर्स, और ये बता रहा है प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी कहे, ठीक है। तो देखिए बस आपको ये याद रखिए, कहां हुआ, राव पाक में हुआ, कहां हुआ, राव पाक में हुआ, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुए, राव पाक में हुए, बस। हां उस समय शासक कौन था, तो शासक कौन था, ऐसे याद रखिए, शासक थे आजकल आनंद करो, ठीक है, आजकल आनंद करो शासक, अब इससे आप निकाल लीजिए, ठीक है, डिकोड कर लीजिए। और कौन कौन अध्यक्ष रहा, यानी किसकी किसकी अध्यक्षता में हुई चारों बौद्ध संगीतियां, हाँ, ऑल द फोर बुद्धिस्ट काउंसिल, मास मोगोवा, एक शब्द मास मोगोवा, मास मोगोवा, मास मोगोवा, मा से महाकश्यप, एस से सर्वकामी, ठीक है, मोग से मोगली पुत्र तिश, और वा से वसुमित्र, एक वाइस प्रेसिडेंट आप याद रखिएगा। तो ये आपका बिल्कुल यही तीन चीजें आपको याद रखनी है, पूरी बुद्धिस्ट काउंसिल, वेन्यू आ गया, ठीक है, रूलर्स आ गए और प्रेसिडेंट्स आ गए, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रहेगा, और बहुत सवाल बनता है यूपीएससी पीसीएस और डिफरेंट अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग जो एग्जाम होंगे और भी सारे में बुद्धिस्ट काउंसिल से सवाल बनेगा। अब यहां पर इसको भी देख लीजिए, इसके लिए ट्रिक तो नहीं है, ट्रिक तो इसी के लिए, डिसीजन के लिए ट्रिक नहीं हो सकता, तो यहां पे बस आप देख लीजिए, आपको जानना है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये क्या है, त्रिपिटक के दोनों पार्ट हैं, ठीक है। दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में थेरवाद और महासांघिक में बंट जाता है, तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक की रचना होती है, त्रिपिटक का तीसरा पार्ट, सुत्त पिटक विनय पिटक अभिधम्म पिटक को एक साथ हम कहते हैं त्रिपिटक, आपने पढ़ा होगा, मैंने डिटेल लेक्चर लिया है, और चूंकि ये प्रारंभिक साहित्य थे बौद्ध धर्म के, तो इन्हें आगम भी कहा जाता है, ठीक है। इन तीनों को यानी त्रिपिटक को, सुत्त पिटक विनय पिटक अभिधम्म पिटक को कहा जाता है त्रिपिटक, यानी थ्री बास्केट, तीन पिटारे कुछ भी कह लीजिए, और त्रिपिटक को आगम साहित्य भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म के आगम साहित्य कौन है, तो त्रिपिटक, ठीक है, सुत्त पिटक विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। और चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और
महायान में बट जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है, और ट्रिक बहुत ही यूनिक है, आप इसको अपने पास रखिए हमेशा के लिए। बुद्धिस्ट काउंसिल अभी अभी आपको याद हो जाएगा, अभी याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, वीडियो खत्म होने के साथ साथ आपको ये पूरा बुद्धिस्ट काउंसिल खत्म हो जाएगा, चाहे तो आप एक बार स्क्रीन शॉट ले ले, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।